अब बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के लिए नए नियम आ सकते हैं। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बद्री केदार मंदिर समिति ने तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, महाकाल और सोमनाथ मंदिर के प्रबंधन और व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई थी और कमेटी ने सुझाव अपने सौंप दिए हैं। अब मंदिर समिति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस पर चर्चा करने के बाद समिति एक SOP जारी करेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंदिर समिति इस बार मंदिर परिसर में एक तय सीमा के भीतर मोबाइल प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है। पिछले यात्रा सीजन में केदारनाथ के गर्भगृह में मोबाइल ले जाकर वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद मंदिरों में मोबाइल प्रतिबंध करने की मांग उठ रही थी और इस तरह की शिकायतें कई बार आ चुकी हैं। इसके साथ ही मंदिरों में कर्मचारियों और पुजारियों के लिए ड्रेस कोड या परिधान भी विचार करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही दान दक्षिणा को लेकर भी नए नियम तीर्थ पुरोहितों पर लागू हो सकते हैं। देखिए, हमने जो मंदिर समिति के 4 अध्ययन दल भेजे थे देश के 4 प्रमुख बड़े मंदिरों में, तिरुपति जी, बाला, वैष्णो देवी, महाकालेश्वर और सोमनाथ जी में, वो अध्ययन दल लौट के आए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन हमारे समक्ष रखा। उन्होंने जो वहाँ पर विभिन्न बिंदुओं पर जो अध्ययन किया, वहाँ की दर्शन व्यवस्था, VIP दर्शनों की व्यवस्था, पूजा व्यवस्था और दान चढ़ावे की काउंटिंग को लेकर के क्या वहाँ पर सिस्टम है, इस प्रकार से तमाम विषयों पर उन्होंने अध्ययन किया था। वो अध्ययन रिपोर्ट उन्होंने हमारे समक्ष रखी, हमने उस पर विस्तृत चर्चा करी और चर्चा करके उसमें से जो हमारे धामों के अनुकूल हो सकता है, जो यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं, उन विषयों पर हम विचार कर रहे हैं। उसमें जो भी हमको सुधारवादी कदम लग रहे हैं, उन सुधारों को हम यहाँ पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हम कार्य योजना अपनी तैयार कर रहे हैं और जल्दी ही जो हमारी SOP है वो तैयार हो जाएगी और उसके पश्चात हम प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन लेकर के अपनी SOP जारी कर देंगे। वहीं इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए BKTC के अध्यक्ष अजिंद्र अजय पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार को और खास करके BKTC के चेयरमैन अजिंद्र अजय को 4 धामों में इस तरह की तानाशाही ही करनी थी तो फिर देवस्थानम बोर्ड क्या बुरा था। त्रिवेंद्र सरकार में लागू देवस्थानम बोर्ड को भंग करके विधानसभा चुनावों में वोटों की उगाही के लिए जनता के सामने अच्छा बनने का नाटक क्यों किया गया। समझ से परे है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर अजेंद्र अजय आखिर करना क्या चाहते हैं। अब BKTC समिति ने ये नियम कायदे कानून लागू कर दिए हैं 4 धाम यात्रा के लिए कि एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड होना चाहिए और चढ़ावा और दक्षिणा जो है पंडित पंडा पुरोहितों को नहीं जाएगी और तमाम तरह के और नियम भी थोप दिए गए हैं जिसका भारी विरोध हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारी पौराणिक धरोहर, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी छेड़छाड़ कर रही है और ये एक खास मकसद से किया जा रहा है और वो समझ में आता है कि वो मकसद क्या है। ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है और अगर इसी तरह की तानाशाही ही चलानी थी, अपनी हुक्म की तामील ही करवानी थी तो फिर देवस्थानम बोर्ड क्या बुरा था, उसको भंग करने की क्या ज़रूरत थी। फिर तो त्रिवेंद्र जी द्वारा जो देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था उसमें भी यही सब बातें थी जो अब आप आज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू सनातन धर्म को अपने हाथों की कठपुतली समझ रही है भाजपा और खासकर अजेंद्र अजय तो इसके साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ कर रहे हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने की होड़ में कहीं ना कहीं अच्छे और बुरे की समझ खो बैठी है। अब देखना होगा कि SOP में धामों को लेकर और क्या कुछ नए नियम शामिल होंगे और SOP जारी होने के बाद क्या होगा, क्या तीर्थ पुरोहित इन नियमों को मानेंगे। खैर, फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये थी देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।